गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हमने आपको पता है लास्ट क्लास में लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लिया था। नाउ वी स्टार्ट अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे रूमिनेंट और ब्रिंग बैक द स्वेलर्ड फूड टू चू इट अगेन ऑन इट अगेन। दे आर फूड प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैविंग ए कंपाउंड स्टोमक। देयर स्टोमक इज कॉल्ड कंपाउंड एज इट हैज फोर चैम्बर्स, द रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमेसम्स एंड एबोमेसम। ऑल शीप्स, गोट्स, एंटीलोप, डीर, गजल्स, जिराफ्स एंड डोमेस्टिकेटर आर रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स रिच्यू देयर कर्ड। रूमिनेंट्स एनिमल्स बेटा वो होते हैं, रूमिनेंट्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं कि अगर अपन ने खाना निगल लिया है, खा लिया है, तो वो क्या करते हैं, उसको बार बार में चबाते रहते हैं, उसको वापस चू करते रहते हैं, उसको रोटेट करना, मतलब हमेशा अपना मुंह उनका चलता ही रहता है। और ये कौन कौन से होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जिनका कंपाउंड स्टोमक होता है। और इनके जो कंपाउंड स्टोमक होते हैं उसमें चार चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, जैसे रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। जैसे आप देखते हैं शीप है, काउ है, गोट्स है, जिराफ है, ये सब क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जो खाना होता है उसको रिच्यू करते रहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। और इनके जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है वो हम आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द इनिशियल च्यूइंग द फूड पासेस डाउन ए लॉन्ग 2.3 फीट ट्यूब कॉल्ड द एसोफेगस एंड रीचेस अ चैम्बर कॉल्ड द रूमेन। जैसे कि अपन खाना खाते हैं, यहाँ से आपको मैंने पढ़ाया था अपना भी खाना कहाँ जाता है, एसोफेगस में, वैसे ही इनके थ्रू 2.3 जो फीट लॉन्ग ट्यूब होती है और एसोफेगस, वहाँ से खाना कौन से चैम्बर में जाता है, रूमेन चैम्बर में जाता है। और जो फैक्ट होता है बेटा काओ का, वो क्या होता है कि 40,000 to 60,000 टाइम्स ये क्या करती है, अपने खाने को अपने जो होता है उसका मूवमेंट करती है, एक खाने को चबाने में या फिर उसको रीचिंग, मतलब बार बार में चबाने के कारण ये अपने मुंह को कितने टाइम तक चलाती है, 40,000 to 60,000 पर डे चलाती है। रूमेन, द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द रूमिनेंट स्टोमक इज़ द रूमेन एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द फोर कंपार्टमेंट। A ruminant take in large quantity of food at one time. The rumen helps in storing food that has been quickly consumed, which is then brought back into the mouth, chewed and re-swallowed in the process of cud chewing. Cud chewing or ruminants occur primarily when the animal is resting. जो first chamber होता है ruminant का, yes sir. सॉरी बेटा, द रूमेन जो फर्स्ट चैम्बर होता है रूमेन का, उसमें क्या होता है कि स्टोमक में जो अपन जो एनिमल्स होते हैं वो खाना खाते हैं, तो वो फोर जो कंपार्टमेंट होते हैं उनमें जाता है। फर्स्ट रूमिनेंट क्या करता है कि लार्ज क्वांटिटी में फूड लेता है, और ये क्या करता है जो स्टोर होता फूड होता है उसको स्टोर कर देता है और क्विकली कंज्यूम भी कर लेता है। और ये क्या करता है जो विच इज़ देन ब्रॉड बैक इन टू द माउथ, और वापस क्या किया जाता है, जब स्टोर किया जाता है इसको क्विकली मुंह में भी वापस दे देते हैं रीच्यूइंग के लिए और वापस रीसोलर के लिए। और इससे जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं कट चुइंग। और रूमिनेंट ओकेन प्राइमरली वैन द एनिमल इज रेस्टिंग। और ये कब होता है, जब जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं, रेस्टिंग पे होते हैं, तब ये वो काम करते रहते हैं। द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन पार्टली डाइजेस्ट हियर बिफोर इट पासेस टू द नेक्स्ट चैम्बर रेक्टिकुलम। यहाँ पे क्या किया जाता है, फूड को ब्रोकन डाउन किया जाता है और थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद आगे जो नेक्स्ट चैम्बर है रेक्टिकुलम उसमें भेज दिया जाता है। रेक्टिकुलम, द फूड इज़ फॉर्म इन टू बॉल्स इन द रेक्टिकुलम विच आर रेगुलेटेड टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग। द कर्ड इज स्वेलर्ड एंड पास्ड टू द नेक्स्ट चैम्बर ओमेसम। यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पे जो फूड होता है वो किस में फॉर्म्ड हो जाता है, बॉल में फॉर्म हो जाता है, और जो क्या कर दिया जाता है कि उसकी फिर आगे, मतलब उसको और च्यूइंग करने के बाद में जो आगे वर्क काम होता है उसमें दे दिया जाता है, फिर इसको वापस
द कर्ड इज स्वेलर्ड एंड पास टू द नेक्स्ट चैम्बर, और यह यहाँ से निगल लिया जाता है, स्वेलर्ड किया जाता है और उसके बाद में नेक्स्ट चैम्बर ओमेसम में भेज दिया जाता है। ओमेसम द मोस्ट ऑफ द सॉरी मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द कर्ड इज ऑब्जर्व इन द ओमेसम वाइल द रेस्ट गेट ड्राइड अप एंड इज पास टू एबोमेसम। यहाँ पे जो बहुत सारा कर्ड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद में इसको आगे कहाँ पास कर दिया जाता है, ओमेसम में पास कर दिया जाता है, एबोमेसम में पास कर दिया जाता है। एबोमेसम द सिक्रेशन ऑफ एबोमेसम एक्ट अपॉन द कर्ड एंड द डाइजेस्ट ऑल द प्रोटीन्स फाउंड इन इट। द सेमी फ्लूइड मास इनटू विच द फूड हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड पासेस टू एबोमेसम। इन द एबोमेसम द फूड इज डाइजेस्टेड जस्ट लाइक इन द ह्यूमन स्टोमक। इट इज़ फाइनली सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कम्प्लीटेड एंड द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड। यहाँ क्या होता है कि एबोमेसम में जो सारा कर्ड एंड डाइजेस्ट सब जो अपना फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसमें से जो भी प्रोटीन होते हैं वो फाइंड कर लिए जाते हैं ताकि उनको स्टोर कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और यहाँ पर द फूड हैज़ बीन नाउ कन्वर्टेड पासेस टू द एबोमेसम, जो यहाँ से जो सेमी फ्लूइड मास दिया जाता है वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट हो जाता है और एबोमेसम में उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद एबोमेसम में किया जाता है और एबोमेसम में ही वैसे ही डाइजेस्ट होता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो खाना होता है, फूड होता है, वो डाइजेस्ट होता है। इसके बाद में उसे फाइनली कहाँ सेंट किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जो भी उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी प्रोटीन न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो एब्जॉर्ब वहाँ से कर लिए जाते हैं। डाइजेशन ट्रांसफर एंड रेस्पिरेशन, when the food is digested and absorbed it is taken to the cell in all part of the body, blood perform with this function, the transport system in the body pumps blood continuously all around the body and this help to transport the digested food। जो डाइजेस्टेड फूड, जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो सारी बॉडी के जो सारे सेल्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो ब्लड परफॉर्म होते हैं वो जो अपनी बॉडी का जो ब्लड परफॉर्म होता है, सिस्टम होता है वो इजीली चलता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो ब्लड पम्प का वो सारी बॉडी में प्रॉपरली चलता है। दिस हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्ट फूड, और ये सब जो अपने जो सेल्स के द्वारा फूड जो स्टोर्ड किया जाता है, प्रोटीन्स लिए जाते हैं और जो ब्लड के द्वारा जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो अपने ह्यूमन्स बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, जिस टाइप में वैसे ही इनकी जो बॉडी होती है, एनिमल्स बॉडी या फिर जो भी उनके जो प्रोटीन्स होते हैं, जो भी उन एब्जॉर्ब किया जाता है, ये सभी हेल्प करते हैं, सारे ऑर्गन्स मिलकर हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, एनर्जी मस्ट बी सेट फ्री फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और फिर क्या होता है कि एनर्जी जो डाइजेस्टेड फूड है उनसे एनर्जी रिलीज होती है। दिस हैपन्स व्हेन द डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट केमिकली विद ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये कब होता है, जब डाइजेस्टेड फूड किसके द्वारा रिएक्ट करता है, किसके साथ केमिकली रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ और रेस्पिरेशन के दौरान। जब रेस्पिरेशन होता है तो ये केमिकली जो होता है ऑक्सीजन के साथ वहाँ पर रिएक्ट करता है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, एनर्जी भी मिलती है। द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर देन ट्रांसपोर्टेड फॉर एक्सक्रीशन टू द किडनी बाय द ब्लड। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है और क्या कर सकता है, आर देन ट्रांसपोर्ट फॉर द एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हैंस इट इज कैन बी सेड दैट न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन आर द टू लाइफ प्रोसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव, और हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन आर द टू लाइफ प्रोसेस, ये जो दो प्रोसेस होती है लाइफ की वो क्या प्रोवाइड करती है बेटा, एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित जो होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को स्टे अलाइव जीवित रहने के लिए। नाउ राउंड अप, ये आपको खुद को पढ़ना है कि हमने आगे क्या क्या पढ़ा है और हमने क्या क्या समझा है। जो वर्क है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। नाउ थैंक यू चिल्ड्रंस।